हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 5 जनवरी पाठ 4 जलवायु से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। भारतीय मॉनसून मौसमी हवाएं हैं जो मौसम के परिवर्तन के साथ प्रवाह की अपनी दिशा को उलट देती हैं। मॉनसून का प्रभाव मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 20 डिग्री 3 और 20 डिग्री 2 उत्तर और दक्षिण में रहता है। तो भारत के मॉनसून के तंत्र को समझने के लिए हमें कुछ तथ्य समझने होंगे। ये 5 है हमारे। स्थल और जल के गर्म व ठंडे होने की विभेदरी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। दूसरा, कि गर्मियों के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय बंडी यानी ITCZ गंगा मैदान की ओर खिसक जाता है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित है। मॉनसून गत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। उत्तर और दक्षिण गोलार्ध को व्यापारिक पवन यहाँ एकाग्र होती है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में उच्च दाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति भारतीय मॉनसून को प्रभावित करती है। चौथा, गर्मियों में तिब्बत पठार के गर्म के होने के परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल के लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं और उच्च दाब का निर्माण होता है। पांचवा, गर्मियों में हिमालय में उत्तर पश्चिमी जैत धारा और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जैत धारा की उपस्थिति होती है। यह भारत की जलवायु के अधिकांश भाग का लगभग वर्ष में प्रभावित होता है। तो आप ये मैप में भी डिफरेंसेस को देख सकते हैं, ये एरो से दर्शाए गए हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिन्हें आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे मैप थोड़ा अलग हो चुका है, तो आप ये समझेंगे। अब आगे, उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र ICTZ क्या है? तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ भूमध्य रेखा अक्षांशों में कम दबाव की एक विस्तृत ट्रफ है। यह भी एक जगह है जहाँ उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, यहाँ आकर मिल जाती हैं उत्तर और पूर्व की और दक्षिण और पूर्व की। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कार्य, तो अक्षांशीय स्थान, समुद्र से दूरी, हिमालय, फिजियोग्राफी, मानसूनी हवाएं, ऊपर वायु परिसंचारण, अलिनो लालिनो और उष्णकटिबंधीय चक्रावर्त यानी ICTZ, ये हमारे कुछ कारक हैं। आप ये सभी कारकों को नोट डाउन करेंगे। तीसरा, जैत धाराएं क्या है और वे भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? तो जैत धाराएं शोम मंडल में उच्च ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं को संकरी पेटी है। गर्मियों में लगभग 110 किलोमीटर पर घंटा और सर्दियों में लगभग 184 किलोमीटर पर घंटा की तेजी से उड़ती है। पश्चिमी जैत धाराएं उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी चक्रवर्ती की विक्षोभ लाने के लिए जिम्मेदार है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्दियों में वर्षा होती है। मॉनसून शब्द को परिभाषित करना है, तो मॉनसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऋतु। मॉनसून एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को दर्शाता है। तो आप इस तरह से आंसर्स लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।